एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूं आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं कंप्यूटर की क्लासेस के लिए। जैसा आपको पता है कि हम लोग ऑलरेडी एक बार कंप्यूटर कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट दिया है कि अब जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस आ रहे हैं तो उसमें हमने कंप्यूटर को अपडेट किया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम क्वेश्चंस जो कि अभी एग्जाम्स में आए हैं। तो ये है आपका कंप्यूटर वर्जन 2.0 आप इसको कह सकते हैं। इसमें सब कुछ बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट टू द पॉइंट और हर वो चीज जो एग्जाम में आ सकती है हमने कोशिश की है कि हम वो इंक्लूड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी जो ये वीडियोस होंगी लगभग पहले अगर आप देखोगे तो करीब 6-7 वीडियोस थी, तो इस बार भी 7-8 वीडियोस ही होंगी। ड्यूरेशन हम लोग यही कोशिश करेंगे कि बिल्कुल पहले जैसे रखें या उससे कम, हल्का बहुत कम ज्यादा हो सकता है, ताकि सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं, सभी चीज बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाए। और इसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कि टाइमली अपडेट करें आपको क्वेश्चंस के साथ। सो डोंट वरी अबाउट कंप्यूटर एनी मोर। तो आज का जो सबसे पहला क्लास है वो होने वाली है, इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन और उसकी हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कंप्यूटर, जैसे हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज फॉर कैलकुलेशन एंड डूइंग अदर प्रोसेसेस। कंप्यूटर क्या है? बेसिकली एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली डिवाइस है। तो ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, आई डोंट थिंक ये चीज आपको बताने की भी नीड है। पर अब हम आते हैं थोड़ी अपडेटेड डेफिनेशन पे। अगर आप कभी भी किसी भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, जो कि ऑब्वियसली आई थिंक आपने कभी ना कभी किया होगा, आप एग्जाम भी देने जा रहे हो तो आपने डेफिनेटली कंप्यूटर पे काम किया है। तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जिसपे हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारा, हमें कुछ भी चाहिए हम कंप्यूटर पे बैठ सकते हैं। अगर उसमें इंटरनेट कनेक्शन है फिर तो हमको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसपे आप सब कुछ, कैलकुलेशन से लेकर आप शॉपिंग, आप सब कुछ कर सकते हो। तो कंप्यूटर के अंदर मेनली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक वो जिसको आप टच कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इस स्क्रीन की, लेट मी से दिस इज अ कंप्यूटर, इसके अंदर ही इसके सारे कंपोनेंट्स हैं। तो द फर्स्ट कंपोनेंट इज दिस स्क्रीन विच आई कैन टच। तो एक तो कंपोनेंट हो गया ऐसा जिसको मैं टच कर सकती हूँ, और एक कंपोनेंट हो गया जिसको मैं टच नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू टच द टेक्स्ट, मुझे इस टेक्स्ट को, इस बैकग्राउंड को टच करना है तो आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट। क्यों? क्योंकि वो इसके अंदर है। तो कंप्यूटर के अंदर आपके मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हो और एक सॉफ्टवेयर जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो कंप्यूटर कैसे काम करता है उसको कंट्रोल करता है। तो इट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो इट विल बी द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर कंपोनेंट्स डिस्क्राइब द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच। ओके, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, डेस्कटॉप, सीपीयू, दीज आर द हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स एज वी कैन टच दैम। सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वो है जो इनको कंट्रोल करेगा। जब आप माउस को हिलाते हो तो कर्सर मूव करता है, राइट? तो वो सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? वो सब कुछ सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रहा है। तो आप ये समझ सकते हो कि हार्डवेयर हमारे हाथ में होता है बिल्कुल, लेकिन हमारे हाथ में उसको किसने दिया? वो दिया है सॉफ्टवेयर ने, उसके प्रोग्रामिंग ने। तो सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स हार्डवेयर एंड रन द ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफिकल्ट प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस। तो ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट थिंग इज अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेस, मेनली एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीज आपको मिलेगी? एक सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। मतलब एक तो उसके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट है सीपीयू मिलेगा, विच इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जिसकी वजह से पूरा कंप्यूटर चलता है। दूसरी चीज मिलेगी मेमोरी, यानी जो भी चीज आप उसमें डाल रहे हो, आप कुछ क्वेश्चन टाइप कर रहे हो तो कहीं तो टाइप होगा ना, कंप्यूटर उसको कहीं ना कहीं तो अपने पास लिखेगा। आप स्क्रीन पे अगर टाइप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ देख रहे हो, तो आपकी आईज उसको कहाँ लेकर जाती है? ब्रेन तक लेकर जाती है, है ना? ब्रेन में एक एरिया होगा जो प्रॉपर आईज से कंसर्न्ड होगा, जहां पे वो डेटा जाएगा। सेम ऐसे ही जो भी आप उसके अंदर डेटा डालोगे वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो उससे रिलेटेड मेमोरी होगी। इनपुट डिवाइसेस होंगी, आउटपुट डिवाइसेस होंगी। इनपुट डिवाइसेस होंगी जिससे आप डेटा डालोगे, आउटपुट डिवाइसेस होंगी जिससे आपको
कंप्यूटर सॉल्व करके सब कुछ देगा एंड स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें आप डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हो कि आज ये क्वेश्चन पूछा है तो अगर मुझे चाहिए कि मैं एक साल बाद ये क्वेश्चन देखूं तो मुझे मिल जाए. तो डिफरेंस रहता है मेमोरी एंड स्टोरेज में और वो आपको अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में पता लग जाएगा. तो इस स्लाइड से आपने क्या पता लगाया, कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, कैलकुलेशन वगैरह ये सब काम करती है, दो कंपोनेंट्स होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर वो कंपोनेंट है जिसको आप टच कर सकते हो, सॉफ्टवेयर वो है जिसको आप टच नहीं कर सकते, और सॉफ्टवेयर मास्टरमाइंड है क्योंकि वो सब कुछ कंट्रोल करता है. तीसरी चीज जो आपने पढ़ी कि कंप्यूटर में क्या क्या चीजें मिलेंगी, एक आपको मिलेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस, सीपीयू आपको मिलेगा, मेमोरी आपको मिलेगी और स्टोरेज डिवाइसेज आपको मिलेंगे. तो इट इज द जिस्ट ऑफ दिस होल स्लाइड. नाउ लेट मी कम टू द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स कि कंप्यूटर स्टार्ट ही कैसे हुए. ये आप अगर आप पहले क्लासेस देख चुके हो तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस मिलेगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा. सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक फॉर्म, जिसमें आज की डेट में आप देखोगे छोटे छोटे बच्चों को एडमिशन दिला दिया जाता है ताकि मैथ्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर का जो इन्वेंशन हुआ था वो कैलकुलेशन को ईजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ था कि हमें कैलकुलेटर चाहिए था. तो मैथ्स वॉज अ मेन पॉइंट, यू कैन लर्न इट लाइक दिस. तो इट स्टार्टेड विद द बर्थ ऑफ अबेकस. ये अबेकस है मतलब इसमें बीट्स होती हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज बीट्स. इन जो ये गोली होती हैं मोती जैसे होते हैं, इनको हम शिफ्ट करके कैलकुलेशन करते थे. फास्टली कैलकुलेशन हो जाती है जब हम मैन्युअली करते हैं उसके कंपेरिजन. इट स्टार्टेड विद द बर्थ ऑफ अबेकस, अ वुडन रैक होल्डिंग टू हॉरिजॉन्टल वायर्स विद बीट्स स्ट्रंग ऑन देम. तो ये एक अबेकस है इस तरीके से. तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये याद रखना है कि सबसे पहले क्या चीज आई, अबेकस का इन्वेंशन हुआ. आफ्टर दैट इन 1642 फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय ब्लेस पास्कल इन 1642. उसके बाद आया पहला डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर. तो उसके बाद सबसे पहला डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर किसने डिस्कवर किया, ब्लेस पास्कल ने डिस्कवर किया इन 1833. तो अभी आप 1642 पे थे राइट, 1642 के बाद आप आ गए सीधा. अगर मैं बात करूं 200 साल बाद 1833 चार्ल्स बेबेज कंसीव्ड एन ऑटोमेटिक कैलकुलेटर और कंप्यूटर विच इज वाई ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. इन्होंने बोला लगभग भाई 200 साल का टाइम पीरियड काफी बड़ा होता है राइट, तो इतने में क्या हुआ इवोल्यूशन होता गया. तो उन्होंने ये बोला कि चार्ल्स बेबेज ने एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इससे पहले वाला मैकेनिकल था ठीक है, आपको मैकेनिकली वैल्यूज डालनी थी, सब कुछ सॉर्ट अपने आप करना था, आंसर आपको मिल रहा था, अभी सब कुछ ऑटोमेटिक है. तो अभी ऑटोमेटिक का टाइम आ गया 1833 में. किसके हेल्प से, चार्ल्स बेबेज की हेल्प से. इसी वजह से उनको बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट 1890 आपने सबसे पहले पढ़ा अबेकस राइट, देन इन 1642 फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर बाय ब्लेस पास्कल. आफ्टर दैट इन 1833 द फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर और कंप्यूटर बाय चार्ल्स बेबेज. एंड आफ्टर 1833 इट्स 1890. अभी क्या हुआ है कि आपके पास एक कंप्यूटर का प्रोटोटाइप है, अब तो अपडेटेड वर्जन आएंगे दैट सेट. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आप अगर मॉक्स दिए होंगे आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली मिले होंगे और ये हमारे पिछले सेशंस में भी थे. 1890 में पंच कार्ड्स आए ठीक है, ये मशीन थी जिसमें पंच कार्ड्स डाले जाते थे जिसको टैबुलेटिंग मशीन भी बोलते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि पंचिंग मशीन का एक और नाम क्या है, टैबुलेटिंग मशीन है. सेकेंडली पंचिंग कार्ड्स जो थे वो किसने यूज किए थे, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उन इन्वेंटर्स का नाम क्या था. हरमन हॉलरिथ एंड जेम्स पावर्स, हरमन हॉलरिथ एंड जेम्स पावर्स उन्होंने पंच कार्ड्स को इन्वेंट किया था जिसको टैबुलेटिंग मशीन भी बोलते हैं. देखो कैसे याद रखोगे, पंच करना है किसी को ठीक है, तो पंच करने के लिए पावर होनी चाहिए. तो पावर्स तो आपने यहां से याद रख दिया, और जब आप पावर लगा रहे हो पंच कर रहे हो तो एक हॉल होना चाहिए, तो हॉल से याद रखोगे हॉलरिथ. तो हरमन हॉलरिथ एंड जेम्स पावर्स वर द वन हु इन्वेंटेड पंच कार्ड्स और टेबुलेटिंग मशीन. दीज कुड रीड द इंफॉर्मेशन दैट हैड बीन पंच्ड इनटू द कार्ड्स ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन हेल्प. ये आप कह सकते हो जैसे अभी ओएमआर वो रीडर होते हैं ना, क्या करते हैं हम लोग, हम बस उसको पेपर पे इस तरीके से घुमाते हैं तो वो सब कुछ रीड कर लेता है.
सेम मतलब काइंड ऑफ वैसा सही था कि पंच करते थे कार्ड्स पे, तो ये जो मशीन थी उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी ऑटोमेटिकली उसको रीड कर रही थी। तो पंच कार्ड्स कब हुए? 1890 में हुए। किस दूसरा नाम क्या है? टैब्युलेटिंग मशीन है। किसने किए? हरमन हॉलरिथ और जेम्स पावर्स। तो ये आपने यहाँ से किया 1890 के बाद। अब हम बात करते हैं पंच कार्ड्स का अपडेटेड वर्जन, टैब्युलेटिंग मशीन का अपडेटेड वर्जन, विच वॉज कॉल्ड पंच कार्ड्स यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, आप देख रहे हो मशीन का साइज अब बड़ा हो चुका है, इसको ट्यूरिंग मशीन भी बोलते हैं। वो बनाई है आईबीएम ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। आईबीएम ने पंच कार्ड्स को अपडेट किया एंड द अपडेटेड मशीन वाज कॉल्ड ट्यूरिंग मशीन। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस थी, यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस थी, बट दे नीड आर हेल्प टू ऑपरेट। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस थी, ये ऐड कर सकती थी, मल्टीप्लाई कर सकती थी एंड सॉर्ट क्लासिफाई कर सकती थी। तो अभी तक किसी मशीन में इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं आई थी। तो पंच कार्ड्स यूजिंग कंप्यूटर्स या जिसको ट्यूरिंग मशीन्स बोल रहे थे, किसने इन्वेंट की? आईबीएम ने इन्वेंट की। एंड व्हाट फंक्शंस कुड इट परफॉर्म? ऐड, मल्टीप्लाई एंड सॉर्ट। तो ये आपका था पंच कार्ड्स। इसके बाद देखो 1890 पर आप पहुंच चुके हो, राइट? पहले 1642, आफ्टर दैट 1833, 1890, अब आप आ चुके हो 1942 में आपका आया इनियक, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, मतलब अब और अपडेटेड वर्जन आने शुरू हो चुके हैं। तो 1942 में इनियक आया, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि एकर्ट मोस्टली और उनके एसोसिएट्स ने मिलकर इन्वेंट किया था। आपको एकर्ट और मोस्टले तो अच्छे से लर्न करना है, आपको मैं बता दूं तो जॉन पी एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मोस्टले ने और उनके एसोसिएट्स ने मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वहां पर इन्वेंट किया था इनियक। कब किया था? 1942 में। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनियक? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये उन्होंने किया हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर। नेक्स्ट वॉज, अब इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे इट ऑक्यूपाइड एंटायर 30x30 feet रूम, दैट मीन साइज बहुत बड़ा था। आप देख सकते हो पूरे रूम में आया हुआ है, पूरे रूम को इसने घेर रखा है। एंड इट वॉज अबाउट 1000 times faster than previous computers and used 18,000 vacuum tubes। तो आप सोच रहे हो ये उस टाइम की बात है जिस टाइम, जैसे आपको पता होगा कंप्यूटर्स की अलग अलग जनरेशन आई, तो पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स हमने यूज की थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते थे, बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते थे। तो आप देख रहे हो 30x30 feet जो है पूरा रूम इन्होंने ऑक्यूपाई किया, साथ में अगर इन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई किया बट इनकी स्पीड इंक्रीज हो गई 1000 times, दीज वर फास्टर देन द प्रीवियस कंप्यूटर। सेकेंडली दे यूज 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट, अब आप आ चुके हो 1950 पर। अगर आप इसको ना बिल्कुल फ्लो चार्ट की तरह ही लर्न करोगे, सबसे पहले अबेकस आया था, फिर 1642 में आया आपका डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर, आफ्टर दैट इन 1833 चार्ल्स बैबेज ने किया ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, 1890 में पंच कार्ड्स आ गए, फिर पंच कार्ड्स का अपडेटेड वर्जन आईबीएम ने निकाला, क्या नाम था उसका? पंच कार्ड्स यूजिंग कंप्यूटर्स और ट्यूरिंग मशीन। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1890 के बाद अगर मैं बात करूं तो आप आ गए 1942 पे, इनियक आया 1942 के बाद, आप आए हो 1950 पर। अब और अपडेटेड वर्जन्स आ गए, जैसे मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ट्रांजिस्टर सर्किट यूज होने लगे, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो 1950 आई, 1950 में मैग्नेटिक कोर मेमोरी आ गई, यानी मेमोरी मतलब पहले जैसे इतने बड़े बड़े रूम्स थे अब इतने बड़े बड़े रूम्स नहीं चाहिए होंगे। सेकेंडली ट्रांजिस्टर सर्किट हम यूज करने लगे। 1980s की बात करें तो सेमीकंडक्टर चिप्स, जैसे हमारा मेमोरी कार्ड होती है वो सेमीकंडक्टर का बना हुआ होता है, सिम कार्ड है वो सेमीकंडक्टर का बना हुआ है, तो आपकी सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वो स्टार्ट हो गई थी बाय 1980s। तो दिस वाज द होल हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड इट इज नॉट दैट हार्ड टू लर्न। सबसे पहले क्या हुआ? अबेकस, देन 1642 ब्लेस पास्कल फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर, राइट? 1642 के बाद 1833 आपके चार्ल्स बेबेज आए, फादर ऑफ कंप्यूटर, पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर उन्होंने इन्वेंट किया। 1842 के बाद 1890 में आपका क्या आया था? 1890 में आपका पंच कार्ड्स आए थे, ठीक है, हॉलरिथ और आपके जेम्स पावर जो थे उन्होंने इन्वेंट किया। उसका अपडेटेड वर्जन आया ट्यूरिंग मशीन। उसके बाद आप आ गए 1900s पे, 1942 में इनियक आया, 1950 की अगर मैं बात करूं तो 1950 में देखो मैग्नेटिक कोर आ गया,
1980 की बात करूं तो सेमीकंडक्टर चिप्स आ गई। तो ये थी आपकी ओवरऑल हिस्ट्री जो कि जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के, जैसे मतलब कौन सी चीज कहां से आई। सबसे पहले फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वॉज डेवलप्ड बाय लेडी अडा अगस्ता अ स्टूडेंट ऑफ बैबेज। सी अगर आपको दिख रहा है कि मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ और स्लाइड चेंज हो रही है, तो ये सब ना इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में लिखे हुए होते हैं कि कैसे एक प्रोग्राम कैसे कुछ भी चीज चलेगी। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है उनको प्रोग्राम बोलते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम जिसके बेसिस पे ये होगा कि कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा, तो सबसे पहला प्रोग्राम लिखा था लेडी अडा अगस्ता ने, जो कि चार्ल्स बेबेज की, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, उन्हीं की स्टूडेंट थी। तो ये चीज है। सेकेंडली December 2nd इज ऑब्जर्व्ड एज कंप्यूटर लिटरेसी डे। December 2nd को कंप्यूटर लिटरेसी डे की फॉर्म में हम मनाते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया वो सिद्धार्थ, सबसे पहला कंप्यूटर जो इंडिजीनियस था, दैट मीन्स हमने इंडिया में ही बनाया था, दैट वॉज कॉल्ड सिद्धार्थ एंड दैट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय ECI, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया वॉज इंस्टॉल्ड इन द मेन पोस्ट ऑफिस इन बेंगलुरु। सबसे पहला कंप्यूटर इंस्टॉल कहाँ हुआ था, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बना कहाँ था, बना जो था उसका नाम सिद्धार्थ था, किसने बनाया था, ECI ने बनाया था। लेकिन जरूरी नहीं है ना, नॉर्मली हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है कि हमने चीजें बनानी बाद में शुरू की हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस, लेकिन जब हमने बनानी शुरू की हैं तो वी बिकेम अ सुपर पावर कि हाँ हम बना सकते हैं। लेकिन मैं पहले की बात कर रही हूँ जब हमने कंप्यूटर बनाने शुरू नहीं किए थे, बट स्टिल वी कैन अफोर्ड टू बाय अ कंप्यूटर। तो हमने जो पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया था वो कहाँ इंस्टॉल किया था, मेन पोस्ट ऑफिस इन बेंगलुरु। नेक्स्ट इज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज CDC 6600 रिलीज्ड इन 1964। तो सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो CDC 6600 था, जो कि 1964 में हमने जो रिलीज हुआ था 1964 में। तो ये थी आपकी ब्रीफ कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। नाउ लेट मी कम टू द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जैसे अभी आपने पढ़ा ना कि इसमें सबसे पहले अबेकस आया, फिर पहला डिजिटल मैकेनिकल आया, तो ये ना जनरेशंस में हमने बांट दिया। तो सबसे पहले मैं बात करूं 1940 से 1952, इससे पहले जो थे ना वो प्रॉपरली कंप्यूटर की कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। आप उन्हें कैलकुलेटर मान सकते हो, मैकेनिकल डिवाइसेस थी बेसिकली। हम लोगों को इनपुट जो डालना पड़ता था हम लोग खुद कैलकुलेशन में हेल्प करते थे, बीड से या कैसे भी। अभी जो आपके जनरेशन हमने जहां से शुरू करी है वहां पे क्या है कि प्रॉपरली इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स हैं, आप ये मान सकते हो। तो सबसे पहली जनरेशन आई दैट वॉज बिटवीन 1940 टू 1952। वैक्यूम ट्यूब्स हमने यूज की, जैसे इनियक में हमने यूज की थी, 1800 ट्यूब्स हमने यूज की थी। जैसे इनियक आप देख सकते हो, अब आपको ना नाम सिमिलर से दिखेंगे, एडसेक, एडवेक, यूनिवेक, इन सब में वैक्यूम ट्यूब्स थी। नेक्स्ट जनरेशन आई 52 से 64 के बीच में, तो नेक्स्ट हमने क्या यूज करना शुरू कर दिया, ट्रांजिस्टर। क्योंकि देखो हमारी ना रिक्वायरमेंट्स कैसे आई, सबसे पहली जनरेशन आई तो उन्होंने जगह बहुत घेरी, तो अब हमारी अगली रिक्वायरमेंट थी कि जगह छोटा करना है, तो ट्रांजिस्टर्स हमने यूज करने शुरू कर दिए। तो सेकेंड जनरेशन में हमारा मेन कॉम्पोनेंट ट्रांजिस्टर था, जैसे IBM 700, 1400 वांस, ये सब वर्जन है, CDC, ये सब वर्जन्स हैं, एटलस, ये सब वर्जन्स हैं। तो IBM, CDC और एटलस आपके मेन कंप्यूटर्स थे, मेन एग्जांपल्स थे सेकंड जनरेशन के। थर्ड जनरेशन वाज बिटवीन 1964 टू 1971, इसके अंदर आ गए इंटीग्रेटेड सर्किट। हमने क्या कोशिश की कि जो जैसे प्रोसेसिंग जो करता है सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल CPU, अभी CPU बहुत ज्यादा जगह घेर रहा था, तो हमें उसको भी मतलब उसके सर्किट्स जो थे वो भी हमें बहुत छोटी छोटी जगह पे इंस्टॉल करने थे, तो हमने लगाया इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे IBM 360 इन 370, NCR 395, CDC। तो नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, या तो आपसे फर्स्ट जनरेशन पे पूछे जाएंगे मैक्सिमम, या फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन पे पूछे जाएंगे, सेकंड और थर्ड पे बहुत कम एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। जैसे अब की बार जो एग्जांपल जो क्वेश्चन आए थे, तो उसमें क्वेश्चन था एप्पल सेकंड जो है वो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, तो दैट इज अ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, इसमें लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको LIC भी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है कि एक छोटी सी चिप पे आप बहुत सारे सर्किट्स आप लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स, तो वायर्स की ये सच नीड नहीं होती, बड़े बड़े सर्किट्स बनाने की जरूरत नहीं होती। तो दैट इज फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी आज की डेट में जो हम वर्क करते हैं फोर्थ और फिफ्थ दोनों जनरेशन पे काम करते हैं,
तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जिसमें एप्पल सेकेंड और डीसीएम है, एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जिसमें मेनली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हैं, हाई स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं, तो वो हो गए आपके फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। नाउ अभी आप हिस्ट्री पढ़ चुके हो, राइट, आप जनरेशन पढ़ चुके हो, नाउ लेट मी कम टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। इट इज वेरी वेरी इजी टू लर्न एक्चुअली। कंप्यूटर के टाइप्स ना हम दो बेसिस पे हम कंप्यूटर्स को डिवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, वो किस टाइप का डेटा हैंडल कर रहे हैं। नॉर्मली दो टाइप का डेटा होता है, एक तो बिल्कुल फिक्स वैल्यू होगी, और एक वो जो चेंज हो सकता है, दैट कैन बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल वेदर की अगर मैं बात करूँ तो डेली चेंज हो सकता है, टेम्परेचर रेंज डेली चेंज हो सकती है। तो जो डेटा चेंज हो सकता है दैट इज कॉल्ड एनालॉग डेटा, और जो डेटा बिल्कुल प्रॉपर वैल्यूज होती है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट, सॉरी डिजिटल कंप्यूटर और डिजिटल डेटा। तो इस बेसिस पे कि किस टाइप का डेटा हैंडल कर रहा है कंप्यूटर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। द वेरी फर्स्ट वन इज एनालॉग कंप्यूटर, द सेकंड वन इज डिजिटल कंप्यूटर, एंड द थर्ड वन इज हाइब्रिड विच इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। दैट मीन्स इट कैन हैंडल बोथ टाइप ऑफ डेटा। मैं अभी आपको तीनों एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूं पावर और स्पीड के टर्म्स में तो बहुत सारे टाइप के कंप्यूटर्स हो सकते हैं, जैसे पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर इज लाइक जो हमारे घरों में पीसी होता है, लैपटॉप होता है वो। वर्क स्टेशन, आई विल एक्सप्लेन व्हाट अ वर्क स्टेशन इज। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, तो बहुत सारे हैं जो अलग अलग पावर और स्पीड के टर्म्स में हम इनको कहाँ यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर मैं बात करूँ कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं तो वो तो पर्सनल कंप्यूटर यूज नहीं करेंगी, उनको तो बहुत हाई टेक कंप्यूटर की जरूरत होती है, तो वो उसमें से कौन सा यूज करेंगी। तो सबकी रिक्वायरमेंट, सबकी स्पीड कैलकुलेशन के हिसाब से हमने इतने सारे टाइप्स बनाए। आप देख सकते हो ये सारे, जैसे पीसी है ये पर्सनल कंप्यूटर में आएगा, लैपटॉप भी आपका पर्सनल कंप्यूटर में आता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर्स की। द वेरी फर्स्ट वन इज एनालॉग कंप्यूटर। दीज इन्वॉल्व डेटा दैट कॉन्टिन्यूअली चेंजेस एंड डज नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट मीन्स प्रॉपर शार्प वैल्यूज नहीं होती, जो डेटा चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल मर्करी थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, बिकॉज द डेटा कैन चेंज, राइट। व्हाट डज अ थर्मोमीटर डू? इट मेजर्स टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर कैन चेंज, तो इट इज, इट विल बी कॉल्ड अ एनालॉग डेटा, एंड द कंप्यूटर दैट हैंडल्स एनालॉग डेटा इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। द नेक्स्ट इज डिजिटल कंप्यूटर। दीज एक्सेप्ट द रॉ डेटा इज इनपुट। जो भी हम रॉ डेटा हमारे पास होता है, मतलब हम उसमें कुछ अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, जैसा डेटा आया हमने उसको इनपुट में डाल दिया, हमने डाल दिया, और जो डेटा हम डालते हैं वो बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम ही डेटा जीरो और वन के फॉर्म में डालते हैं, नो वी डोंट डू दैट। हम अपना डेटा डालते हैं, उसके बाद कंप्यूटर में ऐसी चीजें होती हैं जो उस डेटा को कंप्यूटर को समझाता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, तो उसको बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप है हमारे पास, जो पीसी है घर पे, स्मार्टफोन्स हैं, ये सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर्स के फॉर्म में आते हैं। द नेक्स्ट इज हाइब्रिड कंप्यूटर्स। दीज हैव फीचर्स ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स। These can process both discrete and continuous data. ये continuous data भी, यानी जो change होता है उसको भी वो process कर सकता है, और discrete data यानी जो change नहीं हो रहा उसको भी ये process कर सकता है। जैसे petrol pumps में, petrol pump पे क्या होता है, वो quantity भी देता है, price भी देता है ना, तो दोनों चीजें आपको दे रहा है, तो that will be a hybrid computer. Now let me come to the classification of computers on the basis of calculation and speed. The very first one is personal computer or micro computer. Personal computer को micro computer भी कहा जाता है। देखो, एक तो मुझे आपसे ना ये feedback चाहिए, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम एक topic पे अटक नहीं रहे, क्योंकि इतना deep में भी नहीं जाना और इतना हल्का भी नहीं पढ़ना है कि हमको कुछ आए ना। I just intend to clear your basic concepts. तो अगर वो हो रहे हैं तो that is a good thing. Please tell me in comments कि आप लोगों को ये beneficial लग रहा है या नहीं। Although कोशिश यही की गई है कि हम लोग जितना required है एटलीस्ट ज्यादा बता दें, कुछ कम तो आपको नहीं बताएं। तो सबसे पहले अब चलिए स्टार्ट करते हैं पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। व्हाई इट इज कॉल्ड अ माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर हम बोलते क्यों है? माइक्रो का मतलब तो छोटा होता है, राइट? तो माइक्रो कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज माइक्रो प्रोसेसर्स, यानी जो प्रोसेसिंग करते हैं, जो काम करते हैं, वो बहुत छोटे फॉर्म में होता है। अगर आप सीपीयू कभी खोलोगे तो नॉर्मली एम्प्टी स्पेस है, उसके अंदर सारा खाली है, वो छोटी सी जगह में सब कुछ सामान फिट होता है।
तो इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी इनेबलिंग मैन्युफैक्चरर्स टू पुट एन एंटायर सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप. एक सिंगल चिप पर सारा सीपीयू होता है तो इट विल बी अ माइक्रो प्रोसेसर. एक और चीज, सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर बोलेंगे हम आगे जाके, वो लिखा भी है, आगे पता भी लग जाएगा. जैसे लैपटॉप, नोटबुक कंप्यूटर जो होते हैं, लैपटॉप होते हैं सब आपके पर्सनल कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आएंगे. द नेक्स्ट इज वर्क स्टेशन. वर्क स्टेशन क्या होता है? कंप्यूटर दैट इज यूज एक्सप्लिसिटली फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन लाइक कैड कैम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग. वर्क स्टेशन बेसिकली वो होते हैं जो इंजीनियरिंग, यानी जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, टेस्टर्स हैं, ये जितने भी टेस्टिंग करते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सब वर्क स्टेशन यूज करते हैं. तो इसकी बस कॉन्फ़िगरेशन और एडवांस होती है, लाइक हैंग नहीं होगा, प्रोसेसर ज्यादा होगा, स्टोरेज ज्यादा होगी, तो दैट इज अ, आप यू कैन से अपग्रेडेड वर्जन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, दैट इज वर्क स्टेशन. नेक्स्ट इज मिनी कंप्यूटर्स. मिनी कंप्यूटर्स समझ लो माइक्रो से बड़े होते हैं, कंपेरेटिवली लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर्स, एंड दीज आर ऑल्सो 5 to 50 टाइम्स मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर. सी, इट इज मिनी कंप्यूटर एंड इट इज माइक्रो कंप्यूटर. हालांकि पिक्चर्स बहुत, आप कह सकते हो कि बहुत पुराने टाइम की है, तो माइक्रो कंप्यूटर की जगह आप अपना पर्सनल जो कंप्यूटर यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, वो लिख सकते हो. और मिनी कंप्यूटर्स आपने जरूर मूवीज में देखा होगा, जैसे लाई डिटेक्टर टेस्ट होते हैं तो वो इसी टाइप का कुछ सिस्टम खोलते हैं, राइट? तो ये होते हैं आपके मिनी कंप्यूटर्स. माइक्रो से बड़े होते हैं और फास्ट, और प्रोसेसिंग भी काफी अच्छी होती है इनकी. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की. सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या है? 100 से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं अलग अलग टर्मिनल्स पे. कैसे? टाइम शेयर करके और मल्टीटास्किंग टेक्निक से. तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जस्ट लाइक यू कैन से कि ग्रुप ऑफ पीपल कैन वर्क टुगेदर ऑन अ सिंगल कंप्यूटर बाय द मीन्स ऑफ टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग. सुपर कंप्यूटर की बात करूं तो आप सबको पता है सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं. बहुत पावरफुल हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं. बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स 5th जनरेशन में आते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा सुप्रीमेसी इसमें दी जाती है. तो वेरी पावरफुल, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर्स, एबल टू प्रोसेस मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉब्स विद इन अ वेरी विद अ वेरी हाई स्पीड. आप कितना ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दे दो, विद इन सेकेंड्स, इनफैक्ट सेकेंड्स भी नहीं लेते हैं, वो कंप्लीट कर देते हैं. तो सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी वेरी, यू कैन से अपग्रेडेड वर्जन, सबसे हाईएस्ट वर्जन जो है वो सुपर कंप्यूटर ही है. द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड इन 1976 बाय रोजर क्रे. तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो बना था 1976 में बना था, रोजर क्रे ने जो बनाया था. और मैं आपको बता दूं, अभी आपने एक और पढ़ा था 1976 से पहले कि एक और सुपर कंप्यूटर हमने पढ़ा था, ये रहा 1964 में सीडीसी 6600. फिर अब आपने पढ़ा 1976 में क्रे ने बनाया, उस कंप्यूटर का नाम भी क्रे ही था एक्चुअली. तो ये तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स हो गए. एक्चुअली ये फैक्ट्स कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है. जब तक अबेकस की डिस्कवरी हुई थी हम अबेकस को ही कंप्यूटर मान रहे थे, राइट? लेकिन जब आगे वर्जन आए तो हम अबेकस को कंप्यूटर की कैटेगरी में नहीं रखते. तो 1964 में जब सीडीसी 6600 आया तो इतना ज्यादा अपडेटेड वर्जन था ये अपने पहले के कंप्यूटर्स के मुकाबले कि इसको सुपर कंप्यूटर माना गया. लेकिन जब आगे वर्जन आए, फॉर एग्जाम्पल 1976 में जो क्रे ने, जो रॉजर क्रे ने जो डिस्कवर किया था, फिर समझ में आया कि जितनी भी क्राइटेरिया होते हैं सुपर कंप्यूटर के वो ये पास कर रहा है. ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में आता है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑप्शन में ये है तो आप इस पे टिक लगा कर आएंगे. अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो यू विल गो फॉर क्रे. तो ये आपके क्वेरीज थी जो आई थिंक लास्ट सेशन भी आप काफी बच्चे पूछ रहे थे. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर की. डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज इन फाइनल स्टेज. इट हैज नॉट डेवलप्ड फाइनली एक्चुअली. ये पूरी तरीके से भी डेवलप नहीं हुआ है, इसका डेवलपमेंट बिल्कुल फाइनल स्टेज में है. जैसे बाकी कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो बाइनरी डिजिट्स वगैरह सब यूज होते हैं, इसके अंदर बाइनरी बिट्स यूज नहीं होंगे. एक नई यूनिट है क्यूबिट, जिसको क्वांटम बिट भी बोलते हैं, लेकिन ये अभी स्टिल डेवलपमेंट फेज में है तो वी विल नॉट गो डीप इनटू दिस. तो ये था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड यू हैव स्टडी टाइप ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड एंड कैलकुलेशन. नाउ लेट मी कम टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर. दैट मींस व्हाट कंपोनेंट्स मेक अप अ कंप्यूटर. कंप्यूटर बनाने के लिए कितने कंपोनेंट्स की नीड होती है, क्या क्या कंपोनेंट्स बहुत जरूरी होते हैं. अ कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू थ्री बेसिक यूनिट्स, द सीपीयू, द मेमोरी यूनिट
द इनपुट आउटपुट यूनिट। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि आप कुछ लिखोगे तो पहली बात तो आप किसी ना किसी चीज की हेल्प से लिखोगे, तो दैट विल बी कॉल्ड अ इनपुट डिवाइस। जब आप लिख रहे हो आप सिर्फ अपने आपको दिखेगा कि आपने ये लिखा, कंप्यूटर अपने पास लेकर जाएगा ना, जैसे हमारी आईज ब्रेन तक लेकर गई, तो हमारे ब्रेन में क्या है, एक एरिया है, एक स्टोरेज एरिया है, एक मेमोरी का एरिया है। इस तरीके से कंप्यूटर में भी मेमोरी का एरिया होगा जहां पे वो उस चीज को ले जाके रखेगा। तो सेकेंड विल बी मेमोरी यूनिट। फिर उस पर क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी, उस पर डिसीजन लिए जाएंगे। सो द थर्ड वन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आफ्टर दैट वो रिजल्ट बाहर निकलेगा, यानी आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट एक कैटेगरी में है, डेटा डालने का काम और निकालने का काम एक कैटेगरी में रख दिया, मेमोरी अलग हो गई और सीपीयू अलग हो गया। इसके अलावा आप अगर मैं बात करूं इन सब को, जैसे हमने अलग अलग बेसिस पे कंप्यूटर को डिवाइड किया था, इस तरीके से अगर आप सिर्फ पार्ट्स के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो, जिनको टच कर सकते हो टच नहीं कर सकते, उसके बेसिस पे आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की, विच इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। गिवन द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम्स। हम लोग हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है, जैसे ही हम कुछ भी एंटर करेंगे तो क्या होगा कि वो उस चीज को फॉलो करने लग जाएगा। तो हम लोग इसको डेटा देते हैं, ये सब कुछ डेटा मानता है अपने प्रोग्राम्स की वजह से। द सीपीयू देन फेचेस द प्रोग्राम्स एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी। हमने क्या किया, हमने इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया आपको ये काम करना है। सीपीयू क्या करेगा, अपनी मेमोरी में देखेगा कि अच्छा ये वाला प्रोग्राम मेरे पास है तो मैं उसको लेकर आ रहा हूं, मैं देखूंगा कि इसमें होता कैसे कैसे है। फॉर एग्जाम्पल आप एक नई जॉब पे गए हो, आपसे कह दिया कि ये काम करना है तो इसके बाद ये करते हैं, इसके बाद ये करते हैं, तो आपके पास एक नोटपैड आप लिख रहे हो ताकि अगली बार अगर ये काम हो तो आप देख के कर सको, आपको स्टेप्स पता हो। तो सेम यही चीज होती है, जैसे ही आप डेटा दोगे सीपीयू अपनी मेमोरी में जाएगा, उसको मतलब आप कह सकते हो उसको ढूंढेगा कि ये चीज कहाँ लिखी हुई है। वो ढूंढने के बाद परफॉर्म करेगा जो भी ऑपरेशंस हैं उसके अंदर, उस सबको परफॉर्म करेगा और रिजल्ट को मेमोरी में ही स्टोर कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपकी आउटपुट डिवाइस मेमोरी से उस रिजल्ट को बाहर लेकर आएगी। खैर, सीपीयू स्टोर्स द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस इन इट्स लोकल मेमोरी। सीपीयू क्या करेगा, अपनी लोकल मेमोरी में सब कुछ स्टोर करके रखेगा, जिनको रजिस्टर्स बोलते हैं, वो साइज में और नंबर में लिमिटेड रहती है। मतलब आप समझ रहे हो ना, मैंने बोला नोटबुक में लिखोगे तो सीपीयू किस में लिखता है, रजिस्टर में लिखेगा, वो उसकी लोकल मेमोरी है, मतलब उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो उसके अंदर रहते हैं, लिमिटेड नंबर में होते हैं। तो दैट इज सीपीयू। अदर देन रजिस्टर्स, अब मतलब आपको ये पता लग गया सीपीयू के अंदर एक चीज तो हो गई रजिस्टर, जहां पे वो सारी चीजें मेमोराइज करता है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज एएलयू एंड सीयू। मतलब क्या है, जैसे आपको पता है कि सीपीयू कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करता है, लॉजिकल चीजें भी वो देता है, राइट। तो ये इस चीज के लिए दो कंपोनेंट्स और हैं, ALU एंड CU, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो अगर आपसे कोई पूछे CPU के अंदर टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं, यू विल से 3, द वेरी फर्स्ट वन आर रजिस्टर्स, द सेकंड वन इज ALU एंड द थर्ड वन इज CU। तो बात करते हैं ALU की। जितने भी अरिथमेटिक मैथ्स के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो सारे के सारे ALU ही परफॉर्म करता है। सीयू क्या कंट्रोल करेगा, सीयू की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, राइट। सीयू कंट्रोल करेगा हर चीज, किस किस सीक्वेंस में कैलकुलेशन हो रही है, इसके अलावा क्या इंस्ट्रक्शन आया, जो इंस्ट्रक्शन आया वही सेम सीपीयू ने ढूंढा अपने रजिस्टर में या नहीं ढूंढा, ऐसा तो नहीं है कि इंस्ट्रक्शन कुछ और दिया सीपीयू कुछ और ढूंढ के बैठ गया। तो सीयू क्या करता है, कंट्रोल करता है एवरी लिटिल थिंग। सीयू कंट्रोल सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की जिस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसी सीक्वेंस में हो रहे हैं या नहीं। इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस, सारे इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है, उनको देखता है कि क्या पूछा गया है। गाइड्स डेटा फ्लो थ्रू कंप्यूटर्स मेमोरी। अभी मैंने बताया कि मेमोरी से कौन सा डेटा आ रहा है उसको वो देखेगा। ALU को कंट्रोल करेगा, इनपुट को कंट्रोल करेगा और आउटपुट को कंट्रोल करेगा। दैट इज सीयू फॉर यू गाइस। नाउ तो अभी आपने सीपीयू पढ़ लिया, राइट। कंप्यूटर में तीन पार्ट्स थे, देखो कंप्यूटर में तीन पार्ट्स थे, सीपीयू इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी।
आपने सीपीयू में भी तीन पार्ट्स पढ़े हैं, रजिस्टर्स, एएलयू एंड सीयू। तो आपका सीपीयू कंप्लीट हो चुका है, हम इनपुट और आउटपुट पे हैं। देखो, इनपुट इनेबल्स अस टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। इनपुट वो है जिससे आप इन करोगे, यानी कि आप सारे डेटा को डालोगे, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ये मुझे नहीं लगता इतना कुछ एक्सप्लेन करने की नीड है। आउटपुट वो है जिससे कंप्यूटर आपको रिजल्ट शो करेगा, जैसे मॉनिटर पे लिखा हुआ आ जाता है या फिर प्रिंटर पे लिखा हुआ, प्रिंटर से आप प्रिंट निकाल सकते हो। स्पीकर है तो जहां से आउटपुट आए वो आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब होता है जो साइड से हम लोग लगाते हैं, जो हमारी हेल्प करेंगी। दीज आर आल्सो कॉल्ड इंटरफेस एज दे ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन फॉर मैन एंड मशीन। जब हम इनपुट डिवाइस में कुछ भी इनपुट डालते हैं तो हम अपनी लैंग्वेज में डालते हैं, कंप्यूटर से अपनी लैंग्वेज में रिसीव करता है। तो ये एक इंटरफेस है हमारे और मशीन के बीच में, तो उनको इंटरफेस भी बोलते हैं, उनको पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोला जाता है। तो अभी हम कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में बहुत शॉर्ट में और फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे आप सबको पता है कि OMR शीट मिलती थी एग्जाम, अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए OMR शीट मिलती है। ब्लू या ब्लैक पेन से हम ऐसे आंसर्स पे मार्क करते हैं, राइट? तो ये जो शीट होती है इसके अंदर क्या है कि मैग्नेटिक इंक होती है, मतलब आप जब पेन से आप उसको करोगे तो इसके इस पेज के अंदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक ऐसी डिवाइस है जो स्पेशली ब्लैक मार्क को पढ़ सकती है, कहाँ कहाँ ब्लैक मार्क लगा है, किस पोजिशन पर लगा है, उसको पढ़ सकती है और उस हिसाब से कैलकुलेशन करती है। तो इट इज OMR। OMR क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिससे आप रीड कर सकते हो स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड फॉर्म्स, यानी इंक में कुछ नहीं होता, ये जो पेपर है उस पेपर में स्पेशल कुछ होता है जिसकी वजह से ब्लैक मार्क को जो स्पेशल जगह पे है वो पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट इज MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आपने नोटिस किया होगा चेक पे साइड में कुछ लिखा हुआ होता है, नंबर या कुछ भी, ठीक है, जिससे वो स्कैन भी करते हैं। तो वो इंक जो है वो मैग्नेटिक इंक है, तो वो मैग्नेटिक इंक में सारा इंफॉर्मेशन होता है, शेप्स में सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको रीड करने के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट इज BCR, दैट इज बार कोड स्कैनर। अगर आपने शॉपिंग के लिए आप कहीं भी कन्वीनियंट स्टोर गए हो अभी आज, मतलब अब जो स्टोर्स हैं उसके अंदर क्या है कि हर प्रोडक्ट पे ऐसी लाइंस होती हैं, अलग अलग थिकनेस की लाइंस होती है और इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। तो बारकोड स्कैनर इस पूरे कोड को स्कैन करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। नेक्स्ट इज QR, दैट इज क्विक रिस्पॉन्स। आपको पता होगा जब हम ऑनलाइन पे करते हैं तो QR कोड स्कैन करते हैं, तो वो भी इंक होती है, डॉट्स अलग सी शेप में होंगी, उसमें इंफॉर्मेशन होगी, तो जो QR रीडर है या जो भी है वो पूरा उसको रीड कर सकता है। तो ये सारी आपकी इनपुट डिवाइसेज है। लेट मी कम टू अ मोस्ट लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस, दैट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड में किस किस टाइप की कीज होती हैं? अल्फाबेटिकल कीज होंगी ए से लेकर जेड तक, या स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, लाइक ये आपके हाथ में आपको क्या टाइप करना है। नंबर कीज होती है 0 से 9 तक, फंक्शन कीज होती है F1 से F12 तक, मॉडिफायर कीज होती है, या मॉडिफायर कीज का मतलब जिनको प्रेस करोगे तो जो ऊपर जो कीज लिखी हुई है इनका फंक्शन चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ये मॉडिफायर कीज हैं, टॉगल कीज हैं जिनसे आप शिफ्ट आगे पीछे जा सकते हो, एरो कीज हो गई, कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, तो ये सारी क्या है आपकी टॉगल कीज हैं। देयर आर 104 कीज इन स्टैंडर्ड कीबोर्ड एंड 17 कीज इन नंबर पैड। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज होती हैं और 17 कीज होती हैं आपके नंबर पैड में। नाउ लेट मी कम टू माउस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माउसेस, द वेरी फर्स्ट वन इज ऑप्टिकल माउस एंड द सेकंड वन इज मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस वो था जो बहुत पहले यूज करते थे, अगर आपको याद हो, माउस है लेकिन उसमें जो नीचे है, नीचे एक बॉल है, रबड़ की बॉल होती थी। माउस को आप कहीं भी आप मूव करोगे तो रबड़ नीचे से मूव करेगी। ऑप्टिकल माउस वो है जिसमें ऊपर स्क्रोलिंग बार होता है, लाइट जलती है, लाइट की मदद से कर्सर मूव करता है। तो दो टाइप के आपके माउसेज होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल बिल्कुल पॉइंटिंग डिवाइस है, आप माउस की जगह इसको यूज कर सकते हैं। बॉल है, आप बॉल को मूव करोगे कर्सर मूव करेगा। नेक्स्ट इज लाइट पेन। डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए, मतलब किसी भी मॉनिटर पे जो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर है, CRT मॉनिटर है, उसके ऊपर आप इससे लिख सकते हो बहुत आराम से। आपने देखा होगा नोट पैड आते हैं, बहुत बड़े बड़े टैब्स आते हैं, पेन आता है, उससे आप लिख सकते हो, तो दैट इज अ लाइट पेन। नेक्स्ट इज स्टाइलस। स्टाइलस क्या है? पेन शेप की डिवाइस है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको स्टाइलस मान सकते हो।
दैट इज यूज टू ड्रॉ और राइट ऑन द स्क्रीन ऑफ अ ग्राफिक टैबलेट. बेसिकली लाइट पेन और स्टाइलस में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस ये कहाँ यूज होते हैं उसमें फर्क है. लाइट पेन यूज होगा सीआरटी स्क्रीन पे, ये यूज होगा ग्राफिक टैबलेट पे. ठीक है, देखो सीआरटी ट्यूब पे ना आप ड्रॉ भी कर सकते हो कुछ. बेसिकली ग्राफिक टैबलेट आपने देखा होगा, हमारी कुछ वीडियोस होंगी जिसमें हम बहुत छोटी सी स्क्रीन पे होंगे, हम कुछ भी लिख रहे होंगे तो स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई देगा, तो वो ग्राफिक टैबलेट होता है जिसपे हम उस पर लिखते हैं, टैबलेट पे लिखते हैं. वो बेसिकली वो जो टैबलेट जिसपे हम लिखते हैं वो हम ये मानते हैं कि ये हमारा मॉनिटर है. यानी उस स्क्रीन पे जिसपे हम लिख रहे हैं कुछ दिखता नहीं है, वो बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन होती है. जैसे ये ब्लैंक स्क्रीन है, आप जो भी इस पे लिखोगे वो कंप्यूटर पे लिखा हुआ दिख जाएगा. तो ये फर्क है, ये आप डायरेक्टली मॉनिटर पे लिख रहे हो, ये किसी और स्क्रीन पे लिख रहे हो लेकिन जो लिख रहे हो वो मॉनिटर पे दिखेगा. तो ये दोनों में फर्क है. नेक्स्ट इज स्कैनर. स्कैनर का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और वो मुझे कंप्यूटर में चाहिए, तो इट लुक्स जस्ट लाइक अ प्रिंटर. इसमें क्या होता है, एक ऐसे फ्लैट बेड होता है, इसको ओपन करो, यहाँ डॉक्यूमेंट रखो, इसको क्लोज कर दो, अंदर लाइट होंगी, वो लाइट उस टेक्स्ट पे पड़ेंगे, वो सारा का सारा टेक्स्ट जो है आपके कंप्यूटर में आ जाएगा. तो ये होता है आपका स्कैनर. इनपुट डिवाइस दैट रीड्स एन इमेज एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ डिजिटल फाइल. तो एक इनपुट डिवाइस है जो इमेज को या किसी भी सिग्नल को किसी भी फाइल को पढ़ सकती है, उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकती है. अलग अलग टाइप के स्कैनर्स होते हैं. सबसे पहला है फ्लैट बेड स्कैनर, ये रहा फ्लैट सरफेस होता है. अगला है शीट फेड स्कैनर. शीट फेड स्कैनर में क्या होगा, जैसे ये है फ्लैट बेड, शीट फेड में क्या होगा, एक स्कैनर है, कोई ऐसे ग्लास का कोई सरफेस नहीं होता उसमें, सारे आप पेपर लगा दो एक साथ, जैसे बैंक में नोट गिनने की मशीन होती है, आप सारे नोट लगा देते हो वो गिनती रहती है, ऐसे उसमें सारे पेपर एक साथ रख दो, वो स्कैनर खुद एक पेपर को लेगा, उसको रीड करेगा, बाहर निकाल देगा, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है. एंड नेक्स्ट इज, ये हो गया शीट फेड. नेक्स्ट हो गया हैंड हेल्ड स्कैनर. हैंड हेल्ड स्कैनर में क्या है, पेपर है आपके पास, एक स्कैनर है, वो मशीन है, आप टेक्स्ट बाय टेक्स्ट उसको दिखाते रहोगे, वो टेक्स्ट स्क्रीन पे आता रहेगा, दैट इज हैंड हेल्ड स्कैनर. नेक्स्ट इज अ जॉयस्टिक. आई थिंक ये सबको पता होगा, एक टाइम पे वीडियो गेम्स इतना क्रेज में थे, तो ये जॉयस्टिक है जिसकी हेल्प से हम लोग वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, तो एक इनपुट डिवाइस. टच पैड, जैसे लैपटॉप में होता है ये टच पैड, माउस नहीं होता तो वहां पे टच पैड होगा, आप अपने हाथ को घुमाओगे और अपना जो कर्सर है वो मूव होता हुआ देख सकते हो. इट कंसिस्ट ऑफ ए स्पेशलाइज सरफेस दैट कैन ट्रांसलेट द मोशन एंड पोजिशन ऑफ यूजर्स फिंगर. यानी ये ऐसा सरफेस है जो हमारे मोशन को, हमारी पोजीशन को, मतलब हमारी फिंगर्स की पोजीशन को कन्वर्ट कर देगा, यानी उसको डिटेक्ट करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम पे रिलेट करेगा. नेक्स्ट इज माइक्रोफोन. माइक्रोफोन वही है जैसे मैंने ये लगाया हुआ, ये माइक्रोफोन है जो साउंड वेव्स हैं उनको इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट करेगा, और बाद में ये सिग्नल कहाँ जाएगा, कंप्यूटर में जाएगा, तो दैट इज माइक्रोवेव. इट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. आई एम गिविंग द डेटा, आई एम इनपुट, लाइक आई एम, यू कैन से गिविंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ माई साउंड. तो ये क्या कर रहा है, साउंड को रिसीव कर रहा है, तो इनपुट डिवाइस हो गया. नेक्स्ट है पेन टैप. इनेबल्स द यूजर टू हैंड ड्रॉ इमेज एनिमेशन एंड ग्राफिक्स विद अ स्पेशल पेन लाइक स्टाइलस. पेन टैप स्पेशली आप ये कह सकते हो कि जैसे स्टाइलस था वो एक ग्राफिक टैबलेट के ऊपर आप यूज कर रहे थे, तो उसी का एक वर्जन है पेन टैप. पेन टैप में क्या है कि आप, जैसे अगर मैं बात करूं ग्राफिक्स वाले टैब की, उसमें जो भी आप लिखोगे ना, अगर आप ए लिख रहे हो, आपने अपनी राइटिंग में ए लिखा लेकिन उसमें कंप्यूटराइज्ड ए लिखा आएगा, ऐसा आप मान सकते हो. लेकिन पेन टैब में क्या है, वो आपकी ही राइटिंग में, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने ए लिखा तो ये मेरी ही राइटिंग में आया, तो इट विल बी अ पेन टैब. इट इज नॉट अ पेन टैब बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. तो ये हो गया आपका पेन टैब. नाउ लेट मी कम टू आउटपुट डिवाइसेज. जैसे इतनी इनपुट डिवाइसेज बहुत सारी हैं, आउटपुट डिवाइसेज इतनी सारी नहीं है. द वेरी फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइसेज इज मॉनिटर. इसको स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस बोलते हैं क्योंकि आपको जो भी दिख रहा है ना कंप्यूटर में क्या चल रहा है, आप मॉनिटर पे देखते हो, राइट? अगर आप अभी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो कंप्यूटर पे, तो आप मॉनिटर पे ही देख रहे हो क्या चल रहा है. अपने फोन में देख रहे हो तो फोन की स्क्रीन पे देख रहे हो, तो दैट इज एक्टिंग लाइक अ मॉनिटर फॉर यू गाइज. तो इसको स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस बोलते हैं. कितने टाइप के होता है, चार टाइप का होता है. द फुल फॉर्म आर जस्ट एनएफ. द वेरी फर्स्ट वन इज सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब. नेक्स्ट इज टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर. एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. एंड एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड. तो ये चार टाइप के मॉनिटर हो गए आपके.
तो ये चारों का जो फंक्शन करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। सीआरटी वो है जो पहले टीवी आते थे, अगर आपने देखा हो पीछे बहुत बड़ा कंपार्टमेंट होता था, ये पूरा मतलब यहाँ पे पूरा ये बना हुआ होता था, तो ये सीआरटी हो गए। टीएफटी बीच में आने शुरू हुई थी, बिल्कुल पतली सी स्क्रीन्स आती थी। एलसीडी और एलईडी आप सबको पता है, हमारे घरों में एलसीडी और एलईडी टीवी जैसे हम लगे हुए हैं वैसी स्क्रीन्स होती हैं। लेकिन ये तो हो गए टाइप्स ऑफ मॉनिटर, उनके स्ट्रक्चर या वो किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, लेकिन कलर्स के हिसाब से कि उसमें कितने कलर्स आ सकते हैं, मॉनिटर्स को आप डिवाइड कर सकते हो मोनोक्रोम और कलर मॉनिटर्स, ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर्स एंड कलर्ड मॉनिटर्स। तो ये हो गए आपके कलर्स के बेसिस पर। नाउ लेट मी कम टू प्रिंटर। सी प्रिंटर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लाइक ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत सारे अभी क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं तो प्रिंटर्स ना, अगर आपको लर्न करना है तो आप इस फ्लो चार्ट से लर्न करो। प्रिंटर्स दो टाइप के होते हैं, एक वो जिसमें जो प्रिंट करेगा उसको बोलते हैं प्रिंट हेड, ये हो गया पेपर। तो एक तो वो है जिसमें इनके बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा, दोज विल बी कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर्स, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा पेपर पे। अगले हैं नॉन इम्पैक्ट, जिसमें प्रिंटर हेड और पेपर के बीच में कॉन्टेक्ट ही नहीं है, वो कुछ भी करे, चाहे वो स्क्रीन इंक को फेंक दे, लाइट फेंक दे, वो किसी भी तरीके से प्रिंट करे पर वो कॉन्टेक्ट नहीं करेगा, तो दोज विल बी कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो आपके प्रिंटर्स हो गए दो टाइप के, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब जहां पे आप क्या कर रहे हो, सीधा स्ट्राइक कर रहे हो पेपर पे, सीधा स्ट्राइक कर रहे हो, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो अब देखो, अगर स्ट्राइक कर ही रहे हो तो दो तरीके के प्रिंटर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर जहां पे एक एक अल्फाबेट लिखा जाता है या सीधी लाइन लिखी जाती है, लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर का एक एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंटर्स दैट यू विल बी डिस्कसिंग विद मी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में दो होते हैं सेम, एक तो कैरेक्टर प्रिंटर हो गया और एक पेज प्रिंटर। मतलब जब नॉन इम्पैक्ट है तो ये बोलता है मैं या तो सीधा छोटा, सबसे छोटा वर्जन, एक अल्फाबेट लिखूंगा यानी कैरेक्टर लिखूंगा, या पूरा का पूरा पेज लिखूंगा, तो पेज प्रिंटर हो गया। जैसे कैरेक्टर प्रिंटर की बात करूं तो इंकजेट, अगर सिर्फ एक ही अल्फाबेट लिखना है तो ये बोल रहा है मैं अपनी लाइट क्यों खर्च करूं, मैं सीधा इंक का स्प्रे बनाओ, इंक का एक स्प्रे हम वो कर देंगे, तो इंकजेट हो गया। पेज प्रिंटर का एग्जाम्पल है लेजर प्रिंटर। तो लेट मी डिस्कस दीज विद यू। सबसे पहले आ गए इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इसमें हैमर होता है, हैमर और रिबन जिससे आप प्रिंट करते हो पेपर पे डायरेक्टली, ये गिरेगा, यूज हैमर एंड रिबन ऑन द पेपर डायरेक्टली। एग्जाम्पल डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स एंड लाइन प्रिंटर्स, आपको इसमें से डॉट मैट्रिक्स पढ़ना है अच्छे से। दिस मैकेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म एंड दीज आर ऑफ टू टाइप्स, कैरेक्टर प्रिंटर्स और लाइन प्रिंटर्स। बस ये पढ़ लेना किस कैटेगरी के अंदर कौन से एग्जाम्पल्स हैं, बस इतना सफिशियंट है। कैरेक्टर प्रिंटर्स में एक कैरेक्टर एक टाइम पे टाइप होगा, यानी एक अल्फाबेट टाइप होगा, इनकी स्पीड बहुत कम होती है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कैसे याद रखोगे, कैरेक्टर प्रिंटर यानी एक अल्फाबेट टाइप होगा। अब अगर एक अल्फाबेट है तो या तो आप उसे डॉट से बना सकते हो या इंक जेट से बना सकते हो, इंक को स्प्रे करके बना सकते हो। डॉट डॉट से बनाओगे तो टच करना पड़ेगा, इम्पैक्ट प्रिंटर में आएगा। इंक को स्प्रे करोगे तो नॉन इम्पैक्ट में आएगा। इस तरीके से लर्न कर लेना। लाइन प्रिंटर्स की बात करूं तो प्रिंट्स वन एंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट एट अ टाइम। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, दे डू नॉट यूज हैमर एंड रिबन फॉर प्रिंटिंग, मतलब डायरेक्टली पेपर को स्ट्राइक नहीं करते, जैसे इंकजेट है, लेजर प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, इसी तरीके से। नॉर्मली प्रिंटर्स, अगर इन सब से बात करूं, इन सब में से अलग अलग कैटेगरी से हमने एक एक उठाया, तो तीन तरीके के प्रिंटर्स बहुत फेमस हुए। सबसे पहला है डॉट मैट्रिक्स, ये था इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट के अंदर भी कैरेक्टर प्रिंटर। अगला है इंकजेट, ये था नॉन इम्पैक्ट और कैरेक्टर प्रिंटर, और अगला है लेजर प्रिंटर जो पूरा का पूरा पेज टाइप कर सकता है। तो डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर प्रिंटर में आप डिफरेंस देख सकते हो। डॉट मैट्रिक्स में डॉट्स की फॉर्म में होता है, एक सेकंड में 200 से 540 अल्फाबेट्स के बीच में लिख सकता है, ज्यादा महंगा नहीं होता। इंकजेट की बात करूं तो पूरे पूरे कैरेक्टर्स लिखता है, 4 से 8 पेज एक मिनट में लिख देगा, यानी स्पीड इससे ज्यादा हाई है, और मॉडरेटली प्राइस, मीडियम प्राइस होता है। लेजर प्रिंटर की बात करूं तो पूरे फुली फॉर्म्ड कैरेक्टर्स जो है वो बनेंगे, 4 से 20 पेज एक मिनट में ये टाइप कर देता है, प्रिंट कर देता है, बहुत महंगा होता है। लेजर प्रिंटर, द स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर्स रेंजेस फ्रॉम अबाउट 4 to 20 पेजेस ऑफ टेक्स्ट पर मिनट, यानी 4 से 20, अभी मैंने लिखा भी है ppm, पेजेस पर मिनट, इतना ज्यादा पेज ये टाइप कर सकता है, प्रिंट निकाल सकता है। नाउ लेट मी कम टू अनदर आउटपुट डिवाइस दैट इज कॉल्ड प्लॉटर। प्लॉटर क्या है, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा बैनर लगे होते हैं,
होर्डिंग्स लगे होते हैं, तो इतनी बड़ी इमेज इतने बड़े उस फैब्रिक पे कहां से प्रिंट होता है, वो होता है प्लॉटर। इट इज यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एक्यूरेट बिगर ड्रॉइंग्स यूज इन कैड कैम एप्लीकेशंस सच एज हाउस मैप्स बैनर्स होर्डिंग्स कार पार्ट्स एक्सेट्रा। तो जितने भी आपने देखा होगा अगर वो मॉडिफाई करते हैं कार के पार्ट्स को भी तो वो सब प्लॉटर से निकलते हैं। स्टोरेज, तो अभी आप देख रहे हो, आप देखो क्या क्या पढ़ चुके हो, अब आप सीपीयू पढ़ चुके हो, इनपुट आउटपुट पढ़ चुके हो, मेमोरी और स्टोरेज दो बच रहे हैं। मेमोरी तो वो लोकल वाली थी जो रजिस्टर वगैरह आपने पढ़े थे कि आपने कहां फिलहाल के लिए रखा, लेकिन अब आप पढ़ रहे हो स्टोरेज यूनिट्स। देखो स्टोरेज यूनिट्स क्या है, द स्टोरेज यूनिट और प्राइमरी और मेन स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज डिजाइंड टू स्टोर इनपुट यूनिट्स दैट आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। जो भी हम कंप्यूटर में डेटा डाल रहे हैं वो उसको कहीं तो रखेगा ना, आपके घर मेहमान आए हैं आप कहीं तो बिठाओगे, उसके बाद ही तो आप प्रोसेसिंग शुरू करोगे, उनको क्या खिलाना पिलाना है। लेकिन उसके बाद जैसे वो एंट्री हुए आप कहीं तो बिठाओगे, तो वो हो गई आपकी स्टोरेज यूनिट। एंड द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर आफ्टर बीइंग प्रोसेस्ड, ऑब्वियसली आपके मेहमान अगर आए हैं तो आप उनको बिठाओगे, फिर नाश्ता पानी खाना होगा, फिर जाने से पहले फिर वो बैठेंगे थोड़ी देर बात करेंगे, राइट। तो वो जो इनपुट डेटा जहां बैठा और जो आउटपुट निकलने से पहले जो बैठा है उसको हम बोलते हैं स्टोरेज यूनिट। नाउ लेट मी कम टू नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी। इसके अंदर मेमोरी के अंदर क्या होगा, देखो स्टोरेज में क्या हुआ, जो डेटा आपने दिया है जो आपको चाहिए वो आप स्टोर कर रहे हो। मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी देखो बहुत बहुत आसान सी चीज बताती हूँ, एक तो है गेस्ट, ठीक है, और एक हो आप लोग यानी होस्ट। जहां गेस्ट आके बैठेगा आने से पहले या जाने से पहले, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे स्टोरेज यूनिट। लेकिन जिस जगह पे आप ये चीज सोच के रखोगे हम क्या क्या खिलाएंगे, हम उनके आने पे क्या क्या करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी के अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, इट इज ऑफ थ्री टाइप, कैश मेमोरी, प्राइमरी और मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरीज। द वेरी फर्स्ट वन इज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बेसिकली है क्या, मैं आपको बताती हूँ, इट इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी, बहुत ज्यादा हाई स्पीड मेमोरी होती है। इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी जहां पे सारे इंस्ट्रक्शन सेव हैं उनके बीच में बफर है। बफर का मतलब क्या है कि जैसे हमारा, अगर आपने बायो की क्लास ली आपको पता है हमारा स्पाइनल कोड है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, हमें ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद इंफॉर्मेशन दे देता है सारी, ठीक है, कि अरे बचपन से ऐसे करते आए अभी भी ऐसे करो। सेम है कैश मेमोरी, ये एक बफर है मेन मेमोरी और कंप्यूटर के बीच में। जितने भी काम हम बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली करते हैं, कंप्यूटर आपका जो बहुत फ्रिक्वेंटली काम करेगा वो ये अपने हाथ में ले लेगा कि अच्छा ऐसा करना है, तुम 50 बार ऐसे कर चुके हो ऐसे करो सीधा, मतलब आपको मेन मेमोरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये देखने के लिए कि हमारे पास क्या इंस्ट्रक्शंस है ऐसे काम को करने के लिए। बहुत ज्यादा फास्ट होता है मेन मेमोरी से और बहुत कम टाइम लेता है। स्टोर्स डेटा फॉर टेम्परेरी यूज, पर इसमें टेम्परेरी यूज का ही डेटा स्टोर होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं है। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज प्राइमरी और मेन मेमोरी। इसके अंदर सारे के सारे वो डेटा होता है जिसपे कंप्यूटर करंट में काम कर रहा है, जो फाइल्स कंप्यूटर में करंट में है फिलहाल है वो सिर्फ उसके अंदर सिर्फ वो मेमोरीज होंगी, वो सारी चीजें होंगी। लिमिटेड कैपेसिटी होती है और डेटा जैसे पावर ऑफ कर दिया तो वो चीज बंद, उसके बाद वो डेटा नहीं आएगा। तो ये हो गई मेन मेमोरी, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, जितने टाइम तक आपने ऑन कर रखा कंप्यूटर उतने टाइम तक है, उसके बाद बंद हो जाएगा। ये सेकेंडरी मेमोरी इससे फास्टर है, सबसे ज्यादा स्पीड होती है कैश मेमोरी की, देन प्राइमरी मेमोरी जिसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, फिर आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की हो गई, रैम और रोम, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, जब जैसे ही पावर ऑफ होगी डेटा चला जाएगा, ये इसकी स्पीड तेज होती है। देखो जब भी चीजें ऐसी होती है ना कि हाँ अभी निपटाओ और खत्म करो, जब हमको ये पता होता है ना कि हाँ काम बस अभी अभी करना है खत्म हो जाएगा, तो हम फटाफट करते हैं। तो रैम वही है, रैम के अंदर क्या है, डेटा एकदम इरेज हो जाता है जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होती है। और इसके बाद क्या होगा, फास्टर मेमोरी है,
कंप्यूटर कैन चेंज, सीपीयू कैन चेंज द कंटेंट्स ऑफ रैम एट एनी टाइम. सीपीयू जो है वो रैम के कंटेंट को किसी भी टाइम पे चेंज कर सकता है. इट इज अ रीड एंड राइट मेमोरी. ये एक रीड और राइट मेमोरी है. द टू टाइप्स ऑफ रैम आर, रैम के मेनली दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम. तो आपके स्टैटिक रैम है और डायनामिक रैम है. इसके अलावा रैम में क्या पढ़ना है, टेम्परेरी मेमोरी है, ऑफ होते ही सारा डेटा चला जाएगा. रीड राइट मेमोरी है, इसके अलावा आप इसके कंटेंट को चेंज कर सकते हो क्योंकि टेम्परेरी है ऑब्वियसली. नेक्स्ट इज रोम, इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, दैट मीन्स यू कैनॉट चेंज इट. आप सिर्फ पढ़ सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते. परमानेंट मेमोरी है, डेटा आप स्विच ऑफ कर दो, डेटा नहीं उड़े. जो रोम चिप मैन्युफैक्चरर ने बनाते हुए डाल दी वो वैसे ही रहने वाली है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती. कितने टाइप्स की रोम होती हैं, ये मेनली तीन है. सबसे पहला पी रोम, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ईपी रोम, इनकी फुल फॉर्म कर लेना बस, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ईई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तो ये तीन टाइप की रोम हो गई. जैसे रैम दो टाइप की थी, डी रैम और एस रैम, स्टैटिक और डायनामिक. रोम जो है वो तीन टाइप की है, पी रोम, ई प्रोम एंड डबल ई प्रोम. तो ये हो गए आपके तीनों टाइप के रोम्स. तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की. सी, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी का मतलब जो हमारी हेल्प करने आए उसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं. इट इज नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. ये वो मेमोरी है जो एक्सटर्नली हमें हेल्प करती है. जैसे मैग्नेटिक सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई, सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आएंगी. देखो अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी की. अब आपको ये पता लग गया मेमोरी में होगा क्या. मेमोरी में जितना भी इनपुट आउटपुट आप दोगे वो स्टोर होगा, और साथ में जो डेटा इंस्ट्रक्शन है वो स्टोर होंगे, राइट. तो आप जब स्टोर करते हो, हर चीज की यूनिट होती है ना, तो आप जो डेटा स्टोर कर रहे हो वो कितने यूनिट्स, यानी उसकी क्वांटिटी क्या है. कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा. जैसे आपको पता है कि हम लोग अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, वो हमारी लैंग्वेज है, बट कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज. कंप्यूटर को सिर्फ नंबर समझ में आते हैं, 0 1, यानी वो बाइनरी डिजिट्स का इस्तेमाल करता है. द बाइनरी डिजिट्स 0 and 1 आर बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी एंड आर कॉल्ड बिट्स. 0 और 1 जो नंबर्स हैं उनको बेसिक यूनिट बोलते हैं मेमोरी का, और इन्हीं को बोला जाता है बिट. सबसे छोटा है ना, तो बिट हम इसको बोलेंगे. बिट्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स. जब बिट्स जुड़ जाते हैं, मतलब अभी आपकी आई थिंक 7th और 8th क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पूरे वर्ड को आप नंबर में चेंज कर सकते हो. तो बिट्स जुड़ते हैं तब जाके एक पूरा वर्ड फॉर्म होता है. तो अगर मैं कोई भी वर्ड बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग वी, डब्ल्यू ई, तो अगर आप उसको नंबर के फॉर्म में लिखोगे तो प्रॉपर नंबर लिखा जाएगा. कंप्यूटर उस नंबर को पढ़ के बता देगा आपने वी बोला है या वी लिखा है. अ 4-bit वर्ड इज कॉल्ड निबल एंड 8-bit वर्ड इज कॉल्ड बाइट. देखो ये लर्न करने का मेरा क्या तरीका है, मैं बहुत कंफ्यूज होती थी इसके अंदर. बिट सबसे छोटा पार्ट है, राइट. तो अब क्या है, या तो आप 4-bit में खा सकते हो खाने को, या तो 8-bit में खा सकते हो. तो 8-bit का साइज है ह्यूमन बींग जितना, तो हमारे जितना. तो हम क्या बोलते हैं, बिट थोड़ा बोलते हैं, हम बोलते हैं बाइट, कि लेट मी शेयर अ बाइट. तो 8-bit को तो बोलते हैं बाइट. 4-bit है छोटा साइज, राइट. तो ये बिल्कुल वैसे जैसे चूहे कुतरते हैं. कुतरने को इंग्लिश में बोलते हैं निबल, ठीक है. तो 4-bit को बोलते हैं निबल. तो 4-bit को एक निबल बोला जाता है और 8-bit को एक बाइट बोला जाता है. इसी के अलावा ये यूनिट्स हैं जो आप देख सकते हो. सबसे छोटी तो आपको पता लग गया बिट है. देन अ ग्रुप ऑफ 4-bit इज कॉल्ड निबल, अ ग्रुप ऑफ 8-bit इज कॉल्ड बाइट. आफ्टर दैट 1 kilobyte में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1024. ऐसे ही, मतलब ये यूनिट्स हैं. सबसे छोटा हो गया मतलब बिट, देन निबल, देन बाइट, देन किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, देन टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट एंड जियोबाइट. तो ये सारे के सारे जो है यूनिट्स हैं मेमोरीज के. और एक और चीज, सब में 1024 इज फिक्स. चलो नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोसेसर. ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है. अभी जस्ट मैंने आपको बताया जो प्रोसेसिंग करें, और कंप्यूटर में कौन प्रोसेसिंग करता है, ऑब्वियसली इट्स ब्रेन. तो सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है. सीपीयू नाउअडेज कैन बी इंप्लीमेंटेड ऑन अ सिंगल माइक्रो चिप. छोटे से चिप पे जितने भी सीपीयू के कॉन्टेंट्स है सब लगा दिए जाते हैं. साइज छोटा होता जा रहा है, इसीलिए सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है.
These carry out various tasks involving data processing as well as arithmetic and logical processing. ये सारे के सारे काम करते हैं. Next is computer language. तो यहाँ पे organization of computer finish हो गई. Computer कैसे कैसे मिलकर बना, क्या चीज की जरूरत है. अब हम बात करते हैं computer language की. देखो, to perform a particular task, programmer prepares a sequence of instructions known as program. मैंने अभी आपको बताया था ना, जैसे हमको हमारा कोई सीनियर है वो बोलेगा आपको ये काम करना है, तो हम उसको दिमाग में बिठा लेंगे इसके बाद ये ही करना है, हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं. तो कंप्यूटर के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ऑब्वियसली बात है प्रोग्रामर्स बनाते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं राइट, वो बना के देते हैं कि आपको ये अगर यूजर ये डालेगा तो आपको ये करना है, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम. प्रोग्राम रिटन फॉर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर. जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बोला जाता है प्रोग्राम. और कंप्यूटर की फील्ड में स्पेशली प्रोग्राम को क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर. मैंने आपको बताया था ना कि हार्डवेयर को जो कंट्रोल करे वो सॉफ्टवेयर है, तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. तो अब जो सॉफ्टवेयर हैं यानी जो कंप्यूटर को कंट्रोल करेंगे, ऑब्वियसली बात है लैंग्वेज चलती है ना कंप्यूटर में, तो जैसे 5 जनरेशन आपने पढ़ी कंप्यूटर की, ऐसे ही लैंग्वेजेस भी बहुत सारी आती गई. सबसे पहले के कंप्यूटर किसी और कंप्यूटर लैंग्वेज पे काम कर रहे थे, फिर दूसरे कंप्यूटर्स आए वो किसी और लैंग्वेज पे काम कर रहे थे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज की. ये प्रॉपर मशीन लैंग्वेज थी, इसमें क्या था, हमारी बहुत मेहनत थी, हमें सारा डेटा वो डालना था जो कंप्यूटर को समझ में आए. तो सबसे पहले तो बहुत पढ़ने की जरूरत थी, अभी भी पढ़ने की जरूरत है, लेकिन पहले क्या था कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें थी क्योंकि हमें कंप्यूटर की चीजें समझनी थी, कंप्यूटर की लैंग्वेज समझनी थी. तो मशीन लैंग्वेज है, इंस्ट्रक्शन हम सीधा 1 और 0 के फॉर्म में देते थे. अगला है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज. ये इसको असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं बेसिकली. मतलब जैसे जैसे आप आगे जनरेशन में जाते जाओगे ना, आपको दिखता जाएगा हल्की हल्की इंग्लिश जुड़ती जा रही है, इन्वॉल्व होती जा रही है. सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसको सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं. लो लेवल लैंग्वेज है सीपीयू की और दूसरे प्रोग्रामेबल डिवाइसेस की. मतलब आप समझ लो कि इससे थोड़ी सी आसान हो गई, हल्के से इंग्लिश के वर्ड्स इन्वॉल्व हो गए होंगे. क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज और सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. थर्ड जनरेशन की बात करूं तो अब हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई. पता है क्या फर्क होता है लो लेवल और हाई लेवल में, लो लेवल वो जो कंप्यूटर को समझ में आ जाए, हाई लेवल वो जो हमें समझ में आ जाए. तो अब थोड़ी सी हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई, जैसे फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, पास्कल, PL1. ये थर्ड जनरेशन का जो लैंग्वेजेस थी उनका मेन फोकस था हाउ द प्रॉब्लम गेट्स प्रोग्राम्ड एंड हाउ द प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व. कैसे हम प्रॉब्लम को डालें और कैसे वो सॉल्व होगी, दैट्स इट. ये था मेन फोकस ऑफ द थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस. एग्जाम्पल फोर्ट्रान आ गया, आपका बेसिक, कोबोल, ये सारे आ गए. नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, इनको क्वेरी लैंग्वेजेस भी देते हैं, सीक्वल. अगर आपके कॉर्पोरेट फील्ड में आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई भी जॉब कर रहा है, आपने सीक्वल वर्ड क्योंकि बहुत ज्यादा ये सुना होगा, सीक्वल पे काम करते हैं. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये इसका मेन फोकस क्या रहता है, देखो प्रॉब्लम कैसे डालें, वो कैसे सॉल्व हो, तो थर्ड जनरेशन ने सॉल्व कर दी. फोर्थ वाले देखते हैं किस चीज की जरूरत रहेगी और, तो वॉट इज रिक्वायर्ड. तो वॉट इज रिक्वायर्ड इज द मेन फोकस ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस. एग्जाम्पल क्या है इसका, सीक्वल, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज की बात करूं, एक्सपर्ट सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे प्रोलॉग, OPS5, मर्करी, ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस हैं जिसमें कंप्यूटर्स वर्क करते हैं. तो ये थी आपकी लैंग्वेजेस. नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड पोर्ट. देखो अगर मुझे इसके अंदर पेन ड्राइव लगानी है तो मेरे पास कोई ना कोई एक होल होगा जिसको पोर्ट बोलते हैं, उसमें मैं पेन ड्राइव लगाऊंगी. तो ये जो पोर्ट्स हैं अलग अलग टाइप के होते हैं जिससे आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो. तो डिवाइस क्या, पोर्ट क्या है, एक कनेक्शन पॉइंट है जो इंटरफेस का काम करता है कंप्यूटर में और बाहर की डिवाइसेस में. जैसे आपको प्रिंटर कनेक्ट करना है तो प्रिंटर का वायर अटैच करोगे, मॉडम लगाना है तो मॉडम का वायर लगाओगे. तो जिस जगह पर वायर लगाया जाता है उसको पोर्ट बोलते हैं. कितने टाइप के पोर्ट्स होते हैं, 2. सबसे पहला है इंटरनल पोर्ट. इंटरनल पोर्ट वो है जो सीपीयू, जैसे आपका सीपीयू है अंदर सर्किट है उससे सब कुछ कनेक्ट करेगा, वो हमें नहीं दिखेंगे. तो इट कनेक्ट सिस्टम्स मदरबोर्ड टू इंटरनल डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, इंटरनल ब्लूटूथ, यानी जो अंदर से अंदर कनेक्ट करे उसमें हमारी कोई जरूरत नहीं होती. एक है एक्सटर्नल पोर्ट जो सिस्टम के मदरबोर्ड को बाहर की डिवाइसेस से, माउस, प्रिंटर, USB, इन सबसे कनेक्ट करेगा. तो 2 टाइप के पोर्ट्स होते हैं. आप देखो कितने टाइप के होते हैं, मतलब बहुत सारे हैं इसके अंदर.
पैरेलल भी होंगे, लाइन भी होंगे, मैं भी आपको सारे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे मॉडम का है वो इस टाइप से होता है, इथरनेट का इस तरीके से होता है, ऑडियो इस तरीके से होगा, एचडीएमआई आपने अगर सेटअप बॉक्स लगा हुआ है तो उसमें एचडीएमआई लिखा होगा डेफिनेटली, आप देख सकते हो। तो ये इतने अलग अलग टाइप के पोर्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सीरियल पोर्ट की। अगर आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, देखो सीरियल पोर्ट ना कुछ इस टाइप से बना हुआ है, ये तो सीरियल पोर्ट हो गया, और पैरेलल पोर्ट में क्या है, बिल्कुल बराबर पैरेलल लाइंस हैं। तो सीरियल पोर्ट क्या है, मॉडम जो बहुत पुराने माउसेस रहते थे उनको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। दो वर्जन में आता था, एक में 9 पिन होती थी और एक में 25 पिन। तो 9 पिन और 25 पिन दो वर्जन में आ रहा था। डेटा 115 किलोबिट्स पर सेकंड की स्पीड पर ट्रेवल होता था और डेटा सिंगल स्ट्रीम में जाता था, मतलब जो डेटा सिर्फ जा रहा है वापस नहीं आ सकता। तो ये था सीरियल पोर्ट। अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल पोर्ट, ये अपडेटेड वर्जन आ गया, इससे आप स्कैनर प्रिंटर ये सब डाल सकते हो। 25 पिन का इसका वर्जन होता है और मल्टीपल डेटा स्ट्रीम कर सकते हो, एक साथ कई सारा डेटा आप भेज सकते हो लगातार। थर्ड पोर्ट हो गया यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये सबसे बेस्ट है एक्चुअली, क्योंकि उसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आजकल जितने भी डिवाइसेस आती हैं सब में यूएसबी डालते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस या यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट डालते हैं। ये आजकल जितने डिवाइसेस आएंगे सब में ये मिलेगा, तो यानी आप सारी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, राइट। इट कैन कनेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल यूएसबी डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, आजकल जो चल रहे हैं वो यही है। आगे हम बात करते हैं फायर वायर पोर्ट के लिए। ये पोर्ट बहुत कम मिलने को देखने को मिलेंगे, मतलब अगर कहीं पे आपको आपको नोटिस में आया हो इस टाइप के, ये बहुत एडवांस कंप्यूटर्स में मिलते हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफर करता है बहुत तेज स्पीड पे। जैसे कैमकॉर्डर है, मतलब आपने देखा होगा जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, तो जो हमारे कैमरे भी होते हैं ना वो बिल्कुल अलग होते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग हो। हर डिवाइस थोड़ी ऑर्गेनाइज होती है, बहुत सारे जो अपैरेटस होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये वही है फायरवायर पोर्ट। कनेक्ट कैमकॉर्डर्स एंड वीडियो इक्विपमेंट टू द कंप्यूटर, डेटा ट्रेवल्स एट 400 to 800 मेगाबिट्स पर सेकेंड। जो डेटा है वो 400 to 800 मेगाबिट पर सेकेंड की स्पीड पे जो है वो ट्रैवल करता है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा हाई स्पीड है। अब हम बात करते हैं ईथरनेट पोर्ट की। ईथरनेट बेसिकली ना हमें इंटरनेट से कनेक्ट करता है, आप अभी तक ये समझ सकते हो। इट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क एंड हाई स्पीड इंटरनेट, डेटा ट्रैवल्स एट 10 megabits to 1000 megabits। देखो इस तरीके से होता है ईथरनेट के पोर्ट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क बैंडविड्थ। तो ये सब अलग अलग टाइप के पोर्ट्स हैं जो आपने पढ़े। नाउ लेट मी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज वीडियो, और ये इतना स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज है, वीडियो आप भले ही एक बार देखो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये डेली पढ़ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये कीबोर्ड के शॉर्टकट्स, और इनको ना कोशिश करना प्रैक्टिस करो डेली, क्योंकि पढ़ना और प्रैक्टिकली करना आर टू डिफरेंट थिंग्स, और जब आप प्रैक्टिकली करते हो आप नहीं भूलोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सब कुछ सेलेक्ट करना है, और ये मैं आपको वीडियो में दिखा भी दूंगी, एक्चुअली आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं ये प्रैक्टिकल ही करके दिखाने वाली हूँ। कंट्रोल ए, अगर आपको सब पूरे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करना है, यू विल प्रेस कंट्रोल प्लस ए, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी। ये इसकी ना एक अलग वीडियो है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा उसमें आपको दिखाई देंगे, लेकिन ये मैं हर वीडियो के एंड पे डालने वाली हूँ ताकि आप हर बार पढ़ो और आपको लर्न हो जाए। तो ये सारे आने वाले हैं प्रैक्टिकल इन द वीडियो वेयर आई विल बी एक्सप्लेनिंग एमएस वर्ड। तो अभी के लिए मैं बता दूं, सेंटर अलाइनमेंट यानी अगर बिल्कुल बीच में लिखना है, इटैलिक्स में लिखना है, टेढ़ा लिखना है तो कंट्रोल आई हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। जस्टिफाइड, जस्टिफाइड ये होता है जब आप बिल्कुल इक्वल इक्वल लिखते हो दोनों साइड से, तो कंट्रोल जे। लेफ्ट अलाइन जब आप लेफ्ट साइड पर लिख रहे हो, कंट्रोल एन। नया डॉक्यूमेंट खोलना है, कंट्रोल एन। ओपन करना है, कोई ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में है, आपको ऑलरेडी सेव्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो कंट्रोल ओ। ओपन से आप याद रखोगे कंट्रोल ओ, जो मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। F12 सेव एज, आपके पास एक फाइल है आपको उसी फाइल को कहीं और सेव करना है किसी और नाम से, ठीक है, या फिर उसी जगह सेव करना है किसी और नाम से, तो सेव एज आप यूज करोगे, दैट इज F12। कंट्रोल आर राइट अलाइन के लिए, तो ये लर्न करने आसान है, लेफ्ट में जाना है कंट्रोल एल, बीच में जाना है कंट्रोल ई, राइट में जाना है कंट्रोल आर। ऑल्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस टैब दबाओगे तो जैसे अगर मान लो दो तीन प्रोग्राम्स खुले हुए हैं एक साथ, विंडोज अलग अलग खुली हुई हैं, तो ऑल्ट और टैब से नेक्स्ट पे चले जाओगे। कंट्रोल जेड, मैंने ये लिखा अभी,
मुझे इसको रब करना है, तो आपको ये एरो दिख रहा है, इसको प्रेस करते ही हट गया, इट इज कॉल्ड अंडू। कीबोर्ड से इसका आंसर होता है कंट्रोल जेड। लेकिन अभी जो मैंने करा उसको वापस लेकर आना है, जैसे मैंने अभी ये ड्रॉ किया था, मैंने इसको हटा दिया तो ये हो गया अंडू, लेकिन मुझसे वो गलती से हट गया, मुझे वापस लेकर आना है, तो आई विल प्रेस रीडू, दैट इज कंट्रोल वाई। मुझे इस फाइल को क्लोज करना है, तो आई विल प्रेस कंट्रोल डब्ल्यू, ये फाइल क्लोज हो जाएगी। कट कॉपी पेस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये जॉब भी ले रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में, ये आना ही चाहिए, कंप्यूटर के बेसिक्स हैं। तो कहीं से किसी चीज को कट करना है, दूसरी जगह पे लेकर जाना है, तो कंट्रोल एक्स इज द शॉर्टकट, कंट्रोल वी इज द ऑप्शन फॉर पेस्ट, कंट्रोल एस इज द ऑप्शन फॉर सेविंग द डॉक्यूमेंट। F7, अगर स्पेलिंग चेक करनी है तो F7 आप देखते हो कैसे याद रखोगे, चेकिंग करनी है, जेम्स बॉन्ड चेकिंग करेगा, 007 कोड था राइट, तो F7। एडिट या रीनेम करना है तो F2। याद कैसे करोगे, F2 को याद रखो फोटो से, फोटो ठीक है, फोटो से। तो एडिट हम क्या करते हैं, फोटो एडिट करते हैं, तो F2 आप इस तरीके से लर्न करोगे। कंट्रोल होम, अगर कंट्रोल के साथ होम बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्कुल लिखा हुआ है आपका, वो जहां से टाइपिंग करते हैं वो जो कर्सर है वो यहाँ पे आ रहा है, स्टार्टिंग में जाना है तो कंट्रोल होम, बिल्कुल बिगनिंग पे चले जाओगे। कंट्रोल एंड, बिल्कुल एंड पे चले जाओगे। ऑल्ट शिफ्ट टैब, प्रीवियस ओपन प्रोग्राम पे ही जाओगे ठीक है। इसी तरीके से ऑल्ट F4, विंडोज ही बंद हो जाएगी, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल प्लस W दबाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल रखा है, उसमें कोई फाइल खोल रखी है, तो कंट्रोल W दबाने से वो फाइल बंद होगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, उस पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ऑल्ट F4 दबा रही हूं तो वर्ड ही बंद हो जाएगा। कंट्रोल U अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल P प्रिंट करने के लिए, और कंट्रोल K हाइपरलिंक, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा, आप कुछ भी चीज वेब पे सर्च करते हो तो बहुत सारे लिंक आते हैं, किसी पे भी क्लिक करोगे एक नई वेबसाइट खुल जाएगी, तो वो होता है हाइपरलिंक। ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी के लिए बस शॉर्टकट लर्न कर लो, हाइपरलिंक का जो शॉर्टकट होता है दैट इज कंट्रोल K। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो के सारे कंसेप्ट, सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। हम जल्द मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।